जय श्री राम कोरियन सर कैफे व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं माय सेकंड आओ हारो के एपिसोड 5 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ साइको और ताकू के बीच किस हो जाती है। बाद में ताकू सोचता है मेरा दिल टूट गया था इसलिए वो सब हुआ। यहाँ साइको भी यही सोचती है कि बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। हम दोनों हंसने लगे और मजाक बनाने लगे, बट अब दोनों सोचते हैं आगे क्या करेंगे। यहाँ राइस बैग से साइको मोबाइल निकालकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसका मोबाइल अब चलने लगा। साइको किसके बारे में सोचकर कहती है, हमारे बीच कोई फीलिंग्स तो नहीं थी, बट एक किस से ही मैं उसकी तरफ खिंची चली जा रही हूँ। क्या यह लड़कियों का दिल होता है। यहाँ ताकू भी यही सोचता है। बाद में वो साइको के पास टेप लेने के बहाने से उसके रूम में जाता है। साइको उसे टेप दे देती है। ताकू के जाने के बाद साइको सोचती है, ताकू सोच रहा होगा कि हमारे बीच इतना कुछ नहीं हुआ। बाद में वो खुद को समझाती है कि ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। यहाँ ताकू भी उसी ऑकवर्ड मोमेंट में होकर सोचता है। तभी साइको बाहर से पूछती है, कल जो कुछ हुआ क्या हम उसे भूल जाए। ताकू भी अंदर से एग्री करता है। यहाँ शोगो मरीन को बताता है कि मेरा कम्युनिकेशन साइको से हो ही नहीं पा रहा है, अब वो रिप्लाई भी नहीं कर रही है। मरीन बताती है वो तो होगा, जब वो फर्स्ट डेट पे पहुंची वो डेट ही नहीं थी, सेकंड डेट उसके कैंसिल हो गई, थर्ड डेट पे तुम अपने एक्स वाइफ को ले गए। अगर उसकी जगह मैं होती तो मैं आपको ब्लॉक या डिलीट ही कर देती, मतलब गुड बाय। वो साइको है इसलिए मैं आपको उसके साथ मिलवा रही हूँ और वो बहुत अच्छी फ्रेंड भी है मेरी। यहाँ समर ब्रेक एंड होता है। किसको कई महीने बीत जाते हैं। साइको बताती है हम उसे भूल गए और अपनी लाइफ पुराने तरीके से जीने लगे। तभी कीना और ताकू एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। साइको मन में सोचती है और इसका कन्फेशन भी पूरा नहीं हुआ, दोनों अब कैजुअली बात कर रहे हैं। यंग लोग ऐसे ही होते हैं, कम इमोशनल जैसा मैंने सोचा था। यहाँ साइको काम करते करते शोगो का मैसेज देखती है, वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ शोगो साइको मीटअप करते हैं। शोगो साइको से 10 साल बड़ा है। ये सब सुनकर साइको को ताकू की याद आ जाती है। वो उसे गाइडेंस मांगती है एज अ आर्किटेक्चर और सीनियर। जैसे ही वो घर लौटती है वो घर की चाबी देखती है, वो कीचेन जो ताकू ने उसे गिफ्ट किया। वो मन में सोचती है ताकू 20 का है और मैं 30 की। अगले महीने भी कुछ नहीं हुआ, दिसंबर भी ऐसे ही बीत गया। तभी एक मेल आता है, वो एक लॉ फर्म से आता है। कीना उस मेल को खोल के देखती है जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहले फोटोग्राफ को देखकर शॉक हो जाती है। तभी साइको और असादा आते हैं। कीना फोटोज को छुपा के जैसे ही जाती है साइको सब देखती है। बाद में कीना सारी बात साइको को बताती है कि जिसे मैं अपना बॉयफ्रेंड मान रही थी वो मैरिड था। साइको 2 मिलियन का कंपनसेशन देखकर बहुत शॉक होती है। कीना ये बात किसी को भी ना बताने के लिए कहती है। बाद में साइको सारी बात अपनी फ्रेंड निमुरा को बताती है। निमुरा कहती है उसे 6 मंथ से भी ज्यादा हो गया डेट करते करते, पर फिर भी उसने नोटिस नहीं किया। साइको बताती है उसने बताया उसका डिवोर्स हो गया तो उससे ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। निमुरा उसे अपना ओपिनियन देती है अबाउट डेटिंग कि केयरफुल रहना, आजकल मैचिंग ऐप पे धोखा बहुत होने लगा है। यहाँ कीना अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज और कॉल करती है, बट बॉयफ्रेंड की तरफ से उसे कोई भी रिप्लाई नहीं आता। दूसरे ही दिन कीना तैयार होकर अपने बॉयफ्रेंड की बैंड बजाने के लिए निकलती है। साइको साथ में चलने को कहती है। यहाँ कीना बताती है मैं उसकी वाइफ पे केस कर दूंगी क्योंकि उसके हस्बैंड ने मैचिंग ऐप पे गलत इन्फॉर्मेशन डाली थी और मेरे पास उसका प्रूफ भी है, मैं कोई कंपनसेशन नहीं दूंगी। दोनों जिम में पहुंचती है, वो उससे बात करने के लिए गुस्से में बुलाती है। बाद में सभी एक साथ बैठते हैं। बॉयफ्रेंड कीना की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। कीना क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछकर उस पे गुस्सा करती है। बॉयफ्रेंड हंस के कहता है हम डेट कहाँ कर रहे थे। कीना एकदम से शॉक हो जाती है। बॉयफ्रेंड जैसे ही कुछ कहने जाता है साइको प्रोटीन पाउडर का डिब्बा उठाकर प्रोटीन पाउडर उसके मुंह पे फेंक के मारती है। वो कहती है यू शराब बास्टर्ड, ये सब कचरा साफ करो। कीना स्पीचलेस होती है। साइको उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाती है। बाद में कीना साइको को कहती है तुम वाकई में पागल हो, क्या तुम नॉर्मली लोगों पे ऐसे ही प्रोटीन पाउडर फेंकती हो। साइको सॉरी कहती है बट कीना बहुत खुश होती है। साइको कहती है उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था, उसकी वाइफ के साथ बच्चे हैं और वो दूसरी औरत ढूंढ रहा है। जब गलती पकड़ी गई उसने सारा इल्जाम तुम पे लगा दिया। लड़के अपनी उम्र से छोटी लड़कियों को ढूंढते हैं क्योंकि स्कूल में वो पॉपुलर नहीं होते, पर जैसे ही वो कमाने लगते हैं तो वो टारगेट लड़कियों को करते हैं। लड़के लड़कियों के दिल के साथ ऐसे ही खेलते हैं। लड़कियों का यूज करना मुझे बिल्कुल घटिया लगता है। कीना भी उसकी बातों पे एग्री करके अपना एक्सपीरियंस बता के कहती है मैं भी ज्यादा सीरियस नहीं थी, बट अच्छा लगा था कि मैं उसे पसंद थी इसलिए मैंने उसे रास्ता दिया कि वो मुझे अप्रूव करे। ये तो बेवकूफ लड़कियों की निशानी है। वो बात करते करते रो जाती है और अपना दुख सारा साइको को बताती है। साइको कहती है तुम ब्रेकअप के लिए नहीं रो रही हो, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे जो क्वेश्चन आया है तुम उसके लिए रो रही हो, है ना।
साइको कीना को हग करके संभालती है। कुछ दिन बाद कीना साइको को बताती है केस खत्म हो गया, अब उसकी वाइफ को कंपनसेशन देना नहीं पड़ेगा। वो अपने हस्बैंड को खुद डिवोर्स देगी और अलमनी भी मांगेगी। साइको खुश होती है। कीना साइको से बातों ही बातों में ताकू के बारे में पूछती है। साइको मना कर देती है और मन में सोचकर कहती है, चाहे मैं कुछ भी कहूँ मैं उसको भूल ही नहीं पा रही हूँ, बट मुझे वो भूलना होगा। बाद में साइको किसकी बात निमुरा को बताती है। निमुरा शॉक होकर पूछती है, इस बात को 6 महीने से भी ज्यादा हो गए, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बट अगर तुम्हें उससे प्यार हो गया तो क्या होगा? जो भी होगा तुम्हें सोच समझ कर डिसाइड करना होगा। साइको मन में सोचती है, मैं इसके बारे में सोचना तो नहीं चाहती थी, बट अगर मैं उसकी तरफ एक कदम भी बढ़ाऊंगी तो हमारा रिलेशनशिप यानी फ्रेंडशिप सब टूट जाएगा। कुछ टाइम बाद कीना ग्रेजुएट हो जाती है और वो शेयर हाउस छोड़ के जाती है, बट उसकी जगह अब मरीना कर रुकेगी। कीना ताकू को नोटिस करती है कि ताकू की नजरें सिर्फ साइको पे टिकी हैं। यहाँ सभी खेलते हैं। कीना ताकू से साइड में बातों ही बातों में कहती है, जो भी करना होगा जल्दी करना, टाइम वेस्ट मत करना। ताकू पूछता है क्या? कीना स्माइल करके चली जाती है। दूसरे ही दिन सभी ग्रुप फोटो लेते हैं। कीना को ड्रॉप करने ताकू जाता है। यहाँ बाद में साइको अपना सारा असाइनमेंट कंप्लीट करके ड्रिंक लेने के लिए बाहर आती है। वहाँ ताकू अपना असाइनमेंट करता है। दोनों के बीच एक ऑकवर्ड मोमेंट होता है। ताकू साइको के साथ ड्रिंक करने की बात करता है, बट साइको बहाना मार के अंदर चली जाती है। यहाँ साइको काम करते करते सोचती है कदम बढ़ाना वैसे भी मुश्किल था, बट अवॉइड करना तो उससे भी ज्यादा खराब है। तभी वहाँ की ओनर साइको को अपनी बिल्डिंग दिखा के पूछती है क्या इसका रिनोवेशन हो सकता है। ओनर बाकी की डिटेल देती है कि मैं इसके लिए आपको पे भी करूंगी। साइको सारी बात अपने हाउसमेट को बताती है। सभी खुश होकर एग्री करते हैं, बट ताकू मना करता है कि मेरे सेमिनार्स हैं इसलिए मैं हेल्प नहीं करा पाऊंगा। बट और लोग कहते हैं ये आ जाएगा। यहाँ सभी मेंबर्स रेनोवेशन के लिए उस बिल्डिंग में जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है। मिस्टर शोगो भी इसमें हेल्प करेंगे। साइको ये सभी को बताती है। सभी लोग बिल्डिंग का मेजरमेंट देते हैं। अप्रैल 2024 में न्यू सेशन स्टार्ट होता है। यहाँ साइको सभी को बताती है कि मैं ओनर को इस वीकेंड पे सब डिटेल प्रेजेंट करने वाली हूँ। यहाँ साइको ड्राइंग बनाती है। तभी ताकू उसके लिए कुछ खाने को लाकर देते हुए उसकी ड्राइंग देखते हुए कहता है, अरे तुम असाइनमेंट से ज्यादा इसमें मोटिवेट लग रही हो। साइको खुशी से बताती है, असाइनमेंट से ज्यादा मैं लोगों को कैसे खुश करूं? मुझे वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। वो अपना बिल्डिंग को लेकर ओपिनियन बताती है। ताकू उसे बेटर बनाने के लिए अपना ओपिनियन देता है। साइको उसका आइडिया सुनकर बहुत खुश होती है। ताकू के जाने के बाद साइको मन में सोचती है, हमारे रिलेशनशिप के लिए यही रास्ता बेहतर है। बाद में साइको सभी को रेनोवेशन की डिटेल्स देती है। सभी यह रेनोवेट करने के लिए तैयार है। सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यहाँ ताकू अपना प्रोजेक्ट करता है, बट वो लैपटॉप बंद करके भागता है। बाद में ताकू भी रेनोवेशन की हेल्प के लिए पहुँचता है। ताकू और साइको एक साथ काम करते हैं। मिनीगावा ये सब नोटिस करके खूब हंसता है। बाद में साइको बाउल उतारती है। ताकू उसकी हेल्प करते कहता है, मसल्स में दर्द हो रहा है क्या? साइको एग्री करके कहती है, शायद मैं यंग हूँ इसलिए मसल पेन हो गया। ताकू कहता है ये यंग जैसा तो नहीं लगता। दोनों खाने को लेकर बात करते हैं। पीछे मिनीगावा और मरी ये सब देखकर सोचते हैं इनके बीच कुछ तो लगता है। यहाँ सभी खाते खाते बताते हैं कि नेक्स्ट वीकेंड सभी किसी न किसी चीज को लेकर बिजी हैं। ताकू और साइको अब अकेले रहने वाले हैं क्योंकि ताकू अपना कुछ भी प्लान नहीं बताता। दूसरे ही दिन साइको और ताकू एक साथ काम करते हैं। बाद में मिनीगावा ये सब देखकर साइको से पूछता है, तुम्हारा और ताकू के बीच सब अच्छा चल रहा है? साइको मना करके कहती है, मैं उससे 10 साल बड़ी हूँ। मिनीगावा कहता है, इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइको बताती है, वो मेरे भाई की तरह है। मिनीगावा मानने से मना करके कहता है, वो तुम्हें अपनी बड़ी बहन की तरह नहीं मानता। तभी एकदम से आवाज आती है, ताकू यहाँ बेहोश गिरा पड़ा होता है। यहाँ ताकू हॉस्पिटल में लेटा होता है। साइको उसके साथ होती है। तभी ताकू को होश आता है। साइको पूछते, तुम ठीक हो अब? ताकू मना करता है। साइको कहती है, इतना सीरियस नहीं था, अगर कुछ हो जाता तो बहुत परेशानी हो जाती तुम्हें। ताकू कहता है, तुम्हारा भी तो पहले फ्रैक्चर हुआ था ना? साइको अपना एक्सपीरियंस बताती है। ताकू पूछता है, वो कैसे? साइको हंस के कहती है, तुम्हें यहाँ चेकअप कराने के लिए तो उसे 3 दिन रुकना होगा। इंश्योरेंस है क्या तुम्हारा? ताकू कहता है, वो घर पे है। साइको पूछते, कोई फैमिली मेंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? उन्हें पता तो होना चाहिए। ताकू मना करके कहता है, कोई जरूरत नहीं, उन्हें मेरी कोई चिंता ही नहीं है। साइको कहती है, ऐसे थोड़ी ना होता है। ताकू बताता है, मुझे मेरी माँ ने अकेले ही बड़ा किया जब मैं लॉस एंजलिस में था। बाद में वो बीमार हो गई और चल बसी, तो मेरे फादर ने मुझे साथ रखा, इसलिए मैं वापस जापान आया। मेरे फादर और मेरी कभी नहीं बनी क्योंकि हम एक दूसरे को फैमिली की तरह नहीं देखते, पर थैंक यू कि तुम्हें मेरी चिंता है। साइको मन में कहती है। ताकू की दुखी वाली स्माइल को देखकर
मुझे लग रहा है कि वो बहुत अडोरेबल है। मैं उसके साथ जिंदगी भर ऐसे ही रहना चाहती हूँ, बट अगर मैं ऐसे ही रहने लगे उसके साथ तो मेरी फीलिंग्स और भी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं उसके साथ और नहीं रह सकती अब। बाद में साइको फिर से रेंट के लिए जगह ढूंढती है और लोगों से बात करती है। यहाँ साइको ऑनलाइन पर ही सर्च करती है, तभी ताको वापस लौटता है और पूछता है तुम्हें कड़ी बनाई है। साइको कहती है हॉस्पिटल का खाना अच्छा नहीं था, इसलिए ताको सभी मेंबर्स के बारे में पूछता है। साइको बताती है वीकेंड है ना, रात में ताको काम करता है, तभी साइको के मोबाइल में नोटिफिकेशन अलर्ट आता है फॉर सर्च हाउस। ताको गलती से ये सब देख लेता है। साइको जैसे ही वॉशरूम से बाहर आकर अपना मोबाइल लेकर जाती है। ताको पूछता है तुम नया घर ढूंढ रही हो, मैंने नोटिफिकेशन देखा तुम जा रही हो, बट क्यों? साइको मना करती है। ताको पूछता है तुम यहाँ खुश नहीं हो क्या? साइको मना करती है। ताको पूछता है तो क्यों जा रही हो? साइको कहती है मैं बस सोच रही थी। जैसे ही वो जाती है ताको उसका हाथ पकड़ के पूछता है क्यों, तुम यहाँ रुक क्यों नहीं रही हो, क्यों जा रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे पसंद है कि तुम यहाँ से जाओ। साइको रोती है। ताको पूछता है क्या हुआ? वो उसे अपनी तरफ करते हुए पूछता है बताओ तो। साइको रोते हुए कहती है सॉरी। ताको पूछता है पीठ में दर्द है क्या? साइको मना करके कहती है दिल में दर्द हो रहा है। वो ताको को खूब मारते हुए कहती है क्योंकि अब मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है और मैं इसलिए जा रही हूँ। तभी ताको साइको को हक करते हुए कहता है मुझे लगा था कि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं सोचती, कभी मुझे पसंद करने के बारे में सोच ही नहीं सकती। उस रात के बाद मैं भी तुमसे प्यार करने लगा। वो साइको को अपनी तरफ करके उसे आई लव यू कहता है। साइको रोती है, ताको उसे किस करता है। दूसरे दिन साइको और ताको एक साथ सोते हैं। मरीन कहती है मैं घर आ गई। वो साइको और ताको को खूब आवाज लगाती है। ताको और साइको दोनों हड़बड़ी में कपड़े पहनते हैं। तभी मरीन अंदर रूम में आकर उन्हें देखकर शॉक हो जाती है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन सगे यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक पेज कोरियन सगे एज वेल एज इंस्टाग्राम अकाउंट कोरियन.चगे। थैंक यू।